राइस ब्लास्ट या झोंका रोग। फफूंद जनित इस रोग के कारण पत्तियों पर भूरे या बादामी किनारे वाले नाव के आकार के धब्बे बनते हैं, जिनके बीच का भाग धूसर रंग का होता है। इस रोग के अधिक प्रकोप होने पर धब्बे एक दूसरे में मिल जाते हैं, जिसके कारण पत्तियां झुलस जाती है। पत्तियों के अलावा इस रोग के लक्षण तना के गांठों पर भी देखने को मिलता है। इस रोग के अधिक प्रकोप होने से पौधे टूट जाते हैं। किसान भाइयों, जुलाई से सितंबर के महीनों में इस रोग के लगने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इस रोग से बचाव के लिए विशेषज्ञ क्या सलाह देते हैं, आइए जानते हैं। इसके बचाव के लिए आपको दो तीन चीज ध्यान देने की जरूरत है। पहला चीज ये है कि नत्रजन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, नत्रजन आप समय समय पे दे। कम नत्रजन का इस्तेमाल करें जब आपको दिखाई दे दे कि खेत में झोंका या ब्लास्ट का प्रकोप हो गया है, तो पहला चीज़ ये है। दूसरा चीज़, अगर पानी आप उसमें दे सकते हैं खेत में, क्योंकि नमी जब कम रहती है या खेत में पानी नहीं होता है तो ये बीमारी आपको दिखाई देता है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ये बीमारी दिखाई दे खेत में, तो इसके बचाव के लिए हमको फफूंद नाशक, जिसको कि ट्राईसाइक्लाजोल कहा जाता है, ट्राईसाइक्लाजोल इसके लिए काफ़ी प्रचलित फफूंद नाशक है। ट्राईसाइक्लाजोल का आप 700 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर या 4 बीघा के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राईसाइक्लाजोल अगर उपलब्ध नहीं हो तो आप कार्बेंडाजिम का मात्रा भी 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए या प्रति 4 बीघा के लिए आप इस्तेमाल करके इसका बचाव कर सकते हैं। जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि इस रोग से बचाव के लिए 1 ग्राम ट्राईसाइक्लाजोल नाम की दवा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव किया जाना चाहिए।